नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, अभी काफी व्यूअर्स लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी फोन भी कर रहे हैं कि हमें हमारे पास कोई ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो हमसे ये नंबर में कहा जाता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हमारा कॉन्टेक्ट करो। कुछ एक लोग नंबर हमें फोन करते हैं और हमसे पैसे मांग रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ कोई भी नंबर मेरा नहीं है, भले ही मेरी फोटो के साथ लोगों ने डाल रखे हैं। आप सावधान रहें, कमेंट बॉक्स में पड़े हुए किसी भी नंबर का आप कॉन्टेक्ट ना करें। यदि आप करते हैं, पैसे देते हैं, तो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ से किसी को भी कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जा रहा है और ना ही ये कहा जा रहा है कि आप हमारा कॉन्टेक्ट करें, ठीक है? तो आप सावधान रहें। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल ये उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और आएंगी। ये उपाय दोस्तों कम से कम 3 शुक्रवार आप अवश्य ही करें, या फिर महीने में एक बार। हर महीने आप इस उपाय को करें, महीने में एक बार आप इसे अवश्य ही कर लें। और अभी दोस्तों ये गुप्त नवरात्रि भी आ रही है 11 तारीख से, तो आप चाहें तो इस नवरात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसे छप्पर फाड़ करके आते हैं इस उपाय को जो भी इंसान मन से करता है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा, आप सबको पता ही होगा कि जो कन्याएं हैं वो माता जी का स्वरूप होता है। कन्याओं में माता जी का वास है। आप इस क्रिया को करना शुरू करें और रिजल्ट देखें। आपको दोस्तों क्या करना है, या तो आप दही ले लें और दही में चीनी डालें। चीनी ज्यादा आपको डालनी है, दही को आपको खट्टा कम मीठा ज्यादा रखना है, ठीक है? और आप उसकी लस्सी बनाएं। लस्सी बना करके 5-6 साल की समझो, और या फिर उससे छोटी उम्र की जो कन्याएं हैं, ऐसे 5 कन्याएं या फिर एक कन्या, सिर्फ एक या फिर 5 कन्याएं आप बुलाएं और उन्हें आप वो लस्सी पिलाएं। लस्सी पिलाने से पहले आप उनके मस्तिष्क पर कुमकुम का एक तिलक करें, और जो उनका राइट पैर है, राइट पैर के अंगूठे में थोड़ा सा कुमकुम आप डाल दें, ठीक है? उसके बाद आप उन्हें ग्लास में भर करके लस्सी पिलाएं। जो लोग दही नहीं देना चाह रहे हो, वे लोग चीनी वाला मीठा पानी इन कन्याओं को पिलाएं, मतलब कि चीनी का शरबत। जैसे मैंने बताया है, ऐसे ही विधि करके आपको उन्हें पिलाना है। पिलाते समय आपको कन्याओं को अपने घर की उत्तर तरफ की जो दीवार है उस तरफ आपको बिठाना है, राइट पैर के अंगूठे में और मस्तिष्क में दो जगह आपको तिलक करना है। उसके बाद आपको उन्हें ये शरबत पिलाना है, ठीक है? ये देते समय आपको यही इमेजिन करना है कि आपके घर में माता लक्ष्मी आई है और आप उन्हें मीठी चीज दे रहे हैं, बराबर? जब आप उन्हें ये पिला दें, उसके बाद जब वो कन्याएं जाने लग जाए, तो उनके पैर में पीछे जो एड़ी है उसमें जरा सा जो भी आपके घर के झाड़ू है थोड़ा सा उसको टच करवाएं, जैसे कि आप कुछ झाड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी चीज को ऐसे ले रहे हैं। सभी कन्याओं के पांव की जो एड़ी है उसमें जरा जरा सा झाड़ू आप टच करवाएं, उसके बाद आप उन्हें जाने दें। बहुत ही छोटा सा काम है, बता दूं दोस्तों, या तो एक कन्या होनी चाहिए या फिर 5 हो। आप उन्हें ये मीठा जल मतलब चीनी वाला शरबत आप उन्हें देना शुरू करें। हाँ, इतना आप ध्यान रखें दोस्तों, जब आप इसे देते हैं, ग्लास कभी भी आप एल्यूमिनियम वगैरह के यूज ना करें, कोशिश करें कि ग्लास कांच के हो। शुक्रवार के दिन आप खुद भी दोस्तों कांच के ग्लास में यदि पानी पीते हैं तो आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। कोशिश करें कांच के बर्तन में, कांच के ग्लास में आप उन्हें लस्सी पिलाएं या फिर मीठा जल आप उन्हें देना शुरू करें।
आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। हर शुक्रवार आपको एक क्रिया करनी है संध्या समय, दिया बत्ती के समय आपको ये क्रिया करनी है, ठीक है। यदि इस क्रिया को करते समय आप एक दीपक माता लक्ष्मी का पूजा स्थान में जला देते हैं तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। नहीं जला पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़कियों को, कन्याओं को इस तरीके से आप जल, मीठा जल देना शुरू करें और रिजल्ट देखें, बहुत बढ़िया आएगा। करते रहें खुश। यह सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ रही हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। करते रहें खुश, रहें जय श्री कृष्ण।